सर 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 मैं बहुत परेशान हूँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या दिक्कत हो गई भैया, क्या परेशानी बताइए। सर मैं पिछले एक साल से अपना चैनल मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही हूँ सर, हो ही नहीं पा रहा है। वीडियो डालती हैं आप लगातार? बिल्कुल लगातार एक साल से डाल रही, बहुत परेशान हूँ सर, प्लीज मेरी आप मदद कर दीजिए वरना मैं मर जाऊँ। अरे नहीं भैया परेशान मत होइए, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। आज के वीडियो में आपको तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों को अगर आप अप्लाई करते हो तो बिलीव कर लीजिए आप अपने चैनल को 2024 में मोनेटाइज कर पाओगे। साइड पर देखिए मेरा चैनल, यहां पर देख लीजिए हमने अपने चैनल को सिर्फ मोनेटाइज नहीं किया बल्कि हम यूट्यूब से पैसे भी कमा रहे हैं। देख लीजिए यहां पर $409 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो देखिएगा $409 है तो 409 मल्टीप्लाई समय 83 रुपए में डॉलर चल रहा है तो यहां पर कितना रुपए होता है, 33,947 रुपए होता है, ठीक है। तो मतलब हमने अपने चैनल से पैसे कमाए हैं, इसका मतलब चैनल को मोनेटाइज किया है, क्योंकि हवा में चैनल मोनेटाइज नहीं होता, आपको YouTube पर सही तरीके से काम करना पड़ता है। आज की डेट पर आप लोग देख लीजिए हमारे चैनल से कितने लोग जुड़ चुके हैं, 17,161 लोग, और जैसे ही मैं अभी रिफ्रेश करूंगा देखिएगा दो चार लोग फिर बढ़ जाएंगे, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए दो सब्सक्राइबर आपके सामने, मैंने रिफ्रेश किया तुरंत बढ़ गए और व्यूज भी आप लोग देख सकते हैं, आपके प्यार और सपोर्ट से अच्छा व्यूज आ रहा है। अगर ये तरीके आप भी अप्लाई करते हैं तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अभी से बोल रहा हूं वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी से वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर कैसे आपको जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है ये मैं आपको सिखाता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों आज के वीडियो में आपको वो तरीके नहीं बताऊंगा जो बड़े बड़े महागुरु बताते हैं, मैं वो तरीका बताऊंगा जिन तरीकों को मैंने अपने चैनल पर अप्लाई किया जिसकी वजह से मुझको रिजल्ट ये देखने को मिला कि 2023 में जब मैंने 10 जनवरी 2023 को पहला वीडियो अपलोड किया था उसके बाद विद इन 2 मंथ के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था और हम लोग यूट्यूब से पैसे भी कमाने लगे, ठीक है। तो आखिर मैंने कौन से तरीके अपनाए, क्या ऐसा किया जिसकी वजह से मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया, वहीं पर आप लोग सालों साल से लगे हो, पीछे मैडम जी हैं, मैडम जी भी सालों साल से लगी हैं लेकिन इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ क्योंकि तरीके नहीं अप्लाई किए ना। तो मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने तरीके अप्लाई किए, ठीक है। उनमें से पहला तरीका क्या है उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी आप लोग साइड पे स्क्रीन में देखिए ये मेरा चैनल है, यहां पर दोस्तों अभी तक मेरे 17,100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप लोग यहां पर देखिए ये वीडियो मैंने कितनी वीडियो अपलोड की है, 381 वीडियो अपलोड है, क्या खेल है। पूरे साल में 365 दिन होते हैं और 365 अभी कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि मैंने पहला वीडियो 10 जनवरी 2023 को डाला था और आज की डेट कौन सी है, आज की डेट है 26 दिसंबर, मतलब सोचिए अभी पूरा साल भी कंप्लीट नहीं हुआ और 365 से ऊपर वीडियो अपलोड हो गई। तो क्या ये खेल है? नहीं, ये बहुत जरूरी बात है जो आपको जाननी जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये मेरा पहला चैनल है, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे चैनल ओपन किए लेकिन कभी भी कंसिस्टेंट होकर वहां पर काम नहीं किया। अब होता क्या था कि 3-4 महीने तो हमारे अंदर बहुत जोश रहता था कि हमको यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, 3-4 महीने वो जोश लगातार बना रहता है, उसके बाद जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और यही गलती मैं करता था, 3-4 महीने के बाद 3-4 महीने तक रेगुलर वीडियो, उसके बाद छोड़ दिया 2-3 महीने के लिए, उसके बाद फिर रेगुलर हो गए, फिर छोड़ दिया, फिर रेगुलर हो गए। और सबसे बड़ी गलती आज की डेट पर मैं देख रहा हूं यूट्यूबर्स जो बनना चाहते हैं उनके अंदर ये गलती कॉमन पाई जा रही है, वो लोग कंटिन्यूस यूट्यूब पर काम नहीं कर पाते। आपको कंटिन्यू करना है, रिस्पॉन्स नहीं देखना कि व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इस चीज को ध्यान में रखोगे ना तो कभी भी यूट्यूब पर काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये यूट्यूब है, यहां पर उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव ये आते ही रहते हैं। अगर आपको इसकी आदत नहीं है ना तो आप यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हो पाओगे। मेरा आपको पहला ओपिनियन यही है कि अगर आप 2024 में यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं, यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं जैसे हम लोग कमा रहे हैं, बाकी यूट्यूबर्स कमा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ना बिल्कुल अडिग बनके यूट्यूब पर कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करनी है और क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ में। ये नहीं कि कुछ भी अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं है। आप लोग कभी जज करिएगा, कभी भी आप लोग जब यूट्यूब पर वीडियोस को देखते हैं तो क्या होता है, हमेशा आपको वो वीडियो दिखाई जाती है जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता है। बहुत ही रेयर ऐसा होता है दोस्तों कि आपके पास में कोई ऐसी वीडियो आई जिसकी क्वालिटी कम हो, कंटेंट में कोई कमी हो और वो वीडियो आपको दिखा दी जाए।
क्यों? क्योंकि भैया यूट्यूब क्या चाहता है, उसके प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग आ रहे हैं वो एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करके जाएं, है ना। अब अगर यूट्यूब उनको बुरा एक्सपीरियंस गेन कराएगा तो ऑडियंस दोबारा यूट्यूब पर नहीं आएगी। अब यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां से यूट्यूब खुद पैसा कमा रहा है, तो क्या लगता है बुरे कॉन्टेंट को, खराब कॉन्टेंट को यूट्यूब प्रमोट करने लगेगा? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना सिर्फ यही है, कंटिन्यूअसली अच्छे कंटेंट के साथ में अपने अंदर की स्किल को देखते हुए। बहुत सारे लोग आज की डेट पर क्या गलती कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। सौरभ जोशी को देखा उसकी तरह वीडियो बनाने लगे, मनोज दे को देखा उसकी तरह वीडियो बनाने लगे, शिवार्थराज शुक्ला 2.0 को देखा ये मेरी तरह वीडियो बनाने लगे। तो भैया ये नहीं करना, आप अपने अंदर खोजो ना कि आपके अंदर क्या है। क्योंकि देखो नकली चीज किसी को नहीं पसंद है, हर कोई असली चीज देखना चाहता है, बात समझ रहे ना। तो हो सकता है आपके अंदर सिंगिंग की स्किल हो लेकिन आपने देख लिया सौरभ जोशी को, अब सौरभ जोशी को देखने के बाद आप मोटिवेट हो गए क्योंकि वो बंदा लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो आपको लगेगा कि अरे भैया सौरभ जोशी अगर पैसे कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं, वो क्या ही कर रहा है, फिर व्लॉगिंग करता है, हो गया खेल खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो आप अगर अपने अंदर खोजोगे कि आपके अंदर क्या स्पेशल है और उसके बेस पर अगर यूट्यूब पर काम करोगे तभी आप लोग लगातार काम कर पाओगे। यहां पर मेरे चैनल पे आप लोग देखिए जो 381 वीडियो अपलोड हुई है, क्या किसी ने मुझे प्रेशर किया, मेरे पेरेंट्स ने प्रेशर किया? नहीं, बल्कि आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, सिर्फ यूट्यूब पर काम करने की वजह से मुझको मेरे घर से मेरे घर वालों ने भगा दिया, बात समझ रहे ना। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है कि इन वीडियोस के लिए मैंने अपने घर को छोड़ दिया, समझ रहे ना। तो मतलब ये कैसे हो पाया, क्योंकि मेरे अंदर जुनून था लोगों को कुछ सिखाने का। तो वही चीज मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप वो काम करते हैं जो आपके अंदर जुनून है और उस काम को आगे करते चले जाते हैं तो आपको वहां पर सक्सेस मिलती है, और अगर आप बस दूसरों को देख करके काम करेंगे कभी भी आपको सक्सेस मिलने वाली नहीं है। ये आपको मैंने पहला तरीका बताया जो भैया मैं खुद अपने चैनल पे अप्लाई करता हूं, उसके बाद ही काम कर रहा हूं। आप मेरे वीडियो को कभी देखिएगा, मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करता हूं, मैं अपने तरीके से वीडियो बनाता हूं, जो मेरे अंदर स्किल है, जो मेरे अंदर क्वालिटी है, है ना, उसको देख करके मैं वीडियो बनाता हूँ, कॉपी नहीं करता। और यही चीज मैं आपको भी बोलूंगा, कॉपी मत करो, क्योंकि जब भी आप किसी को कॉपी करते हो अपनी क्वालिटी कम कर देते हो। कॉपी करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप कंटिन्यूअसली कभी काम कर ही नहीं सकते यूट्यूब पर, कुछ दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा तरीका क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, सालों साल काम कर लिया, मैडम जी पीछे बैठी है इन्होंने भी सालों साल काम कर लिया लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाई। क्यों नहीं मैडम जी कर पाई बताइए, क्या लगता है क्यों नहीं कर पाई? आप काम तो आपने किया होगा, हाँ। रेगुलर किया होगा, हाँ। फिर भी क्यों नहीं कर पाई? पता नहीं। यही चीज आप लोग अपने आप से पूछेंगे ना तो आपको भी उत्तर यही मिलेगा, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। पता नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं कर पाए, बाकी लोग कैसे कर पा रहे, हमने कैसे कर लिया, क्योंकि सही वे में काम किया। मैं चिल्ला चिल्ला कर दोस्तों बोलता हूं, आप जिस कैटेगरी में काम कर रहे हो अपने कैटेगरी के जो भी क्रिएटर्स हैं बड़े, उनके हैशटैग, उनके टैग अपने वीडियो पर डालिए, डालना पड़ेगा। अपने वीडियो पे @ करके बड़े बड़े क्रिएटर को मेंशन करिए भैया, इससे आपको फायदा मिलने वाला है। और अगर आप भैया सोचेंगे कि आपके चैनल का नाम है मुन्नू व्लॉग और आप सोचेंगे कि अपने टैग में मुन्नू व्लॉग डालोगे, अपने डिस्क्रिप्शन पे मुन्नू व्लॉग डालोगे, तो मुझे एक बात बताओ, तुमको कौन जानता है, कौन है जो तुम्हारे चैनल को जानता है? अभी तुम्हारे 10-15-20 सब्सक्राइबर है, तुम खुद सोचो तुम्हारा नाम कैसे कोई जानेगा। लेकिन वहां पर अगर तुम बड़े बड़े क्रिएटर्स के टैग को यूज करते हो, हैशटैग यूज करते हो, @ करके मेंशन करते हो, तो वहां पर यूट्यूब आपके कैटेगरी की ऑडियंस के पास में आपके वीडियो रिकमेंड करता है। अब वहां पर अगर आपके वीडियो में क्वालिटी ऑफ कंटेंट है तो बंदा आपकी वीडियो को देखेगा, सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पूरी देखेगा। अब अगर आपने हक दिया वीडियो में तो भैया आपकी वीडियो YouTube पहुंचा तो देगा, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होगी कि आपको वीडियो वो देखेगा नहीं। और अगर एक वीडियो उसने देख भी ली तो चूंकि आपने वीडियो में तो हक दिया था, तो अब प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप दोबारा वीडियो डालेंगे तो YouTube उनके पास में वीडियो तो भेजेगा लेकिन वो बंदा आपकी वीडियो नहीं देखेगा। तो मेरा आपसे डायरेक्टली एक ही बात कहना है कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो ये टारगेट बना लीजिए, ऐसा कॉन्टेंट देना है कि जो भी ऑडियंस आपका कॉन्टेंट एक बार देख ले
रिवर्स करके आपके पास आए, और ये तभी होगा जब आप अपने कंटेंट पे काम करेंगे, नकल नहीं कंटेंट पे काम करेंगे, ठीक है। तो अपने चैनल की कैटेगरी के बड़े क्रिएटर को टारगेट करना चालू करिए, उनके हैशटैग को यूज करिए, उनके टैग को अपने चैनल के टैग पे डालिए। अब ये मैं आपको वो बातें नहीं बता रहा हूं हवा हवाई, ये मैं खुद अप्लाई करता हूं खुद। एग्जांपल देखना है, चलिए दिखाता हूं एग्जांपल, ठीक है। देखिए ध्यान से, ऐसी बात नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको हवा में कुछ भी बता देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये वीडियो है, इस वीडियो को ही मैं देखिए यहां पर व्यूज कितने हैं, देखिए 2600 व्यूज हैं, CTR देख सकते हैं 16.7 है, और मैं आपको इस वीडियो के टैग दिखाता हूं, ठीक है। मतलब कोई हवा हवाई वाली शिवार्थरा शुक्ला बात नहीं करता, यहां से वो बातें आपको सीखने को मिलेंगी जिससे आप रियल में एक यूट्यूबर बनके यूट्यूब पर पैसे कमा सकते हैं। बात समझ गए, ऐसे हवा में कुछ भी नहीं हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये देखिए यहां पर, देखिए मनोज दे लिखा है, मनोज दे व्लॉग लिखा है ना, बड़ा क्रिएटर है हमारी कैटेगरी का, तो हमने अपना टैग क्यों नहीं डाला, क्योंकि भैया हमको उसकी ऑडियंस चाहिए। आपको और दिखाता हूं, डिस्क्रिप्शन में देखिए, ये देखिए हैशटैग मनोज दे डाला है हमने, ये देखिए, और यहां पर देखिए मनोज दे भी मैंने लिखा है, ये देखिए, है ना। और इतना ही नहीं, मनोज दे का टाइटल तक मैंने यहां पर कॉपी किया है, बात समझ रहे हैं ना, देख लीजिए ध्यान से। और उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहां पर एट द रेट करके मैंने मनोज दे तक मेंशन किया है, और कई कैटेगरी में आपको अपने थंबनेल पर अपने कैटेगरी के बड़े क्रिएटर को भी टारगेट करना पड़ेगा, जैसे यहां पर देखिए मैंने यहां पर टारगेट किया है। ये चीजें जब आप करते हैं ना, तो आपके चैनल की धीरे धीरे रीच बढ़ती है, और जब आपके चैनल की रीच बढ़ेगी तभी आपके पास में ऑडियंस आएगी। लेकिन फिर आपको एक ही बात बोलूंगा, कुछ भी हो जाए याद रखना मेरी इस बात को, कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान इधर उधर हो जाए, लेकिन ये टारगेट बना लेना कि आपको बिल्कुल सही वे में कंटेंट को बनाना है। कभी ऐसा नहीं बनाना कि ऑडियंस आने के बाद आपको गरियाए, ऐसा नहीं बनाना, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग उसको जज नहीं करते। अब देखिए यूट्यूब क्या करता है कि यूट्यूब जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक के वीडियो को ज्यादा लोगों तक रिकमेंड करता है, बहुत सारे लोगों को भेजता है। अब ज्यादातर लोग यहां पर गलती क्या करते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोज नहीं बनाते, और अगर बनाते भी हैं तो ट्रेंडिंग टॉपिक पर तो वीडियो बना देते हैं, लेकिन अपनी कैटेगरी को रिप्रेजेंट नहीं करते उस वीडियो में जो उनका ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना है। मैडम जी आप बताइए, आपने ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाए? नहीं बनाए। अब बताइए कैसे आपका चैनल मोनेटाइज होगा? है भाई, ट्रेंडिंग टॉपिक पर जब आप वीडियो बनाएंगे तब YouTube आपके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजेगा, कि यही तो वो टॉपिक्स हैं जहां से वीडियोस आपकी वायरल होने के चांसेज होते हैं। अब आप लोग इन अवसर को खो देते हो, बाकी दुनिया का सुरंग दिखाओगे, आज वहां भाई से वो भाग गए, दुनिया की चीज बनाओगे, ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाते। ये गलती है भाई, इस गलती को समझो। यूट्यूब जिस चीज को ज्यादा बूस्ट करने वाला है वही चीज तो तुम बना नहीं रहे हो। आप लोग कई बार देखिएगा, जब भी कोई ट्रेंडिंग बंदा वायरल होता है, तमाम गाना गाने वाले लोग उसके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो तुरंत गाने से रिलेटेड बना देते हैं, है ना। तो भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है कि यहां से हमको मिलियंस ऑफ व्यूज आने वाले। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपको भैया 2024 में अपना चैनल मोनेटाइज करना है तो, और सिर्फ बैठ के निठल्लों की तरह काम करना है और भैया चिल्लाते रहना है, परेशान रहना है कि हमारा क्या हुआ, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको तीन ऐसे तरीके बताए हैं जिन तरीकों को अगर आप अप्लाई करते हो तो आप अपने चैनल को 2024 में मोनेटाइज कर पाओगे। और हाँ, ये तरीके वो थे जो मैंने खुद अप्लाई किए, ऐसे किसी का सुन करके मैंने आपको नहीं बताया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर कैसे आपको जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है ये मैं आपको सिखाता हूं। आज की वीडियो के बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।